हेलो फ्रेंड्स, आज अपना न्यू चैप्टर है चैप्टर 10, जिसका नाम है वाटर फ्लोज फ्रॉम अपसाइड टूवर्ड्स डाउन साइड। जो हमारे साथ पानी है वो कैसे फ्लो करता है अपसाइड टू डाउन साइड, क्योंकि अपन जब कभी भी देखते हैं जो पानी बहता है, ठीक है, चाहे आप नदी में देख लो, झरने में देख लो, पानी हमेशा कैसे बहता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है कि बहता है, ठीक है, मीन्स अपसाइड टू डाउन साइड, ठीक है। ये होता है कि कभी आपने ऐसा तो देखा नहीं कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा हो, ठीक है, नदी से वापस पहाड़ पे जा रहा हो, कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पानी का जो फ्लो होता है, ठीक है, उसके फ्लो का जो वे होता है वो हमेशा अपसाइड डाउन साइड की ओर होता है। तो अपने चैप्टर में इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ वाटर सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो इरीगेशन सिस्टम होते हैं, ठीक है, इरीगेशन होते हैं सिस्टम, उनके बारे में भी डिटेल है। तो अपन देखते हैं जो पानी में होता है, जैसे अपन आए दिन देखते हैं जैसे बारिश आती है, ठीक है, तो बारिश के अंदर देखते हैं जो पानी होता है, ठीक है, बहुत तेज बारिश आई तो नदी में पानी आया, नदी से वो हमेशा एक नीचे ढलाई की ओर ही बहता है, ओके, चाहे वो आप नदी का बहता हुआ पानी देख लो, चाहे एक पर्वत से निकलता हुआ पानी देख लो, ठीक है, तो हमेशा जो पानी होगा वो अपसाइड से डाउन साइड की ओर ही फ्लो करेगा। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं, कई बार जैसे बारिश अपन देखते हैं, ठीक है, बारिश आती है, अपने सपोज एक किसान जो फार्मर है, ठीक है, उसने अपने खेत के अंदर अच्छे से क्रॉप उगा रखी है, ठीक है, फसल उगा रखी है, अब बारिश आई, ठीक है, बारिश आई, पानी पहुंच गए, लेकिन कई बार जितना पानी उस क्रॉप को जरूरत होती है, मीन क्रॉप के लिए जितने पानी की नीड होती है वो प्रॉपर उसको मिल नहीं पाती, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें देना पड़ता है उसको पानी एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। तो जब एक क्रॉप को रेन के अलावा एक्स्ट्रा पानी की जब नीड होती है तो आगे जो अपन उसको पानी देते हैं, ठीक है, वो आप कहता था इरीगेशन, इरीगेशन मतलब सिंचाई करना, पौधों को पानी देना जो बारिश के एक्स्ट्रा वाटर के बाहर दिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इरीगेशन सिस्टम की बात करूं, देखो इरीगेशन करने के लिए पौधों को पानी देने के बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ मेथड के मैं नाम बता रहा हूं, जैसे आपके स्प्रिंकलर जो एक मेथड होता है, एक स्प्रिंकलर मेथड होता है, ठीक है, देन इसके अलावा जैसे वॉटर पाइप के द्वारा हो सकता है, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हो सकता है, ओके, तो ऐसे कुछ ड्रेनेज सिस्टम भी हो सकता है इसके अंदर भी, ठीक है, ड्रेनेज मीन्स नाली बनाना, ठीक है। तो देखो कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, ओके, एक ट्यूबवेल हो सकता है, जैसे ट्यूबवेल के, ट्यूबवेल तो चलो उसमें यूज आती है आपके पाइप सिस्टम में, अगर जैसे स्प्रिंकल से मतलब जैसे आप कहीं गए हो गार्डन में बहुत कहीं घूमने गए, ठीक है, तो आप कहीं गार्डन के बीच में देखते हो ना स्प्रिंकल मतलब फिर तो फुहारा लगा होता है, ठीक है, उसमें से पानी निकलता है, तो सेम ऐसा ही फील्ड के अंदर खेत के अंदर क्या होता है, पूरी पाइप ड्रेन पूरा पाइप फिट कर दिया जाता है, ठीक है, चारों तरफ हर एक डिस्टेंस एक लिमिट डिस्टेंस के बीच में और उसके ऊपर स्प्रिंकल लगा होता है, तो स्प्रिंकल से क्या होता है, स्प्रिंकल देखते हैं तो बहुत अच्छा इरीगेशन मेथड होता है सबसे बेस्ट अगर माने तो अपन, ठीक है, उससे क्या होता है हर एक क्रॉप पे प्रॉपर वाटर पहुंच जाता है, ठीक है। नहीं अगर वाटर पाइप की बात करें या फिर ट्यूबवेल की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है पूरे खेतों के चारों ओर पाइप सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है, वो फैला दिया जाता है, तो ड्रेनेज के अंदर ड्रेनेज मतलब नालियां होती है, जैसे सपोज ट्यूबवेल अपने कुएं के ऊपर ट्यूबवेल लगा दी, ठीक है, उससे पानी आ रहा, अब पानी आगे कैसे फ्लो होगा, उससे ड्रेनेज सिस्टम बनाया, ड्रेनेज मतलब आगे नाले बनाई जाती है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर हर एक फसल तक पहुंच सके। देन अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई, इसके अंदर भी क्या होता है कुछ छोटे छोटे पाइप होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है पूरे खेतों के अंदर फील्ड के अंदर फैलाया जाता है और उनसे एक लिमिट मात्रा के अंदर ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद पानी निकलता रहता है 24 आवर्स तक, ठीक है। अब उससे क्या होता है, देखो एक प्रॉपर ड्रॉप को पानी भी मिल रहा है, पानी का वेस्टेज भी नहीं हो रहा है, ओके, तो इसके लिए दो मेथड फायदा होता है इसके, जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम इरीगेशन कर रहे हो, तो इसके अलावा कुछ और डिफरेंट वेज होते हैं जब जिससे अपन इरीगेशन कर सकते हैं खेतों के अंदर, ठीक है, यू नो अबाउट ऑल, तो देन वी नो दैट द लेवल अंडरग्राउंड वाटर इन बावड़ी आर आल्सो डीप, जैसे कि हम जानते हैं अपन जब बावड़ी का या वेल का पानी को देखते हैं, ठीक है, अब जैसे बावड़ी है, चलो बावड़ी से अपन जो लैडर्स होती है पहुंचने के लिए पानी के, ठीक है, वेल की बात करें, ठीक है, वेल के अंदर जो पानी होता है बहुत गहरा होता है कि अपन बाय हैंड से निकाल सकते हैं या मुखेल से भी एक लिमिट मात्रा में निकालते हैं जब उसका पानी का लेवल हाई हो, लेकिन कुआ हमेशा बहुत ही डीप के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको पानी निकालेंगे उसके ऊपर ट्यूबवेल लगाई जाती है, ठीक है, वाटर पंप लगाया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेल होता है इस तरीके से बावड़ी कुओं में से, ठीक है, टैंक में से पानी निकालने के, उनके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट,
ठीक है, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी काम में ले जाते हैं, ओके, जैसे वाटर पंप हो गया, ओके, ट्यूबवेल सिस्टम जो हो गया, इलेक्ट्रिक मेथड पे जो चलने वाले सारे सिस्टम, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट ही काम में लेकर उन पानी को अपन बाहर निकाल सकते हैं। देन इसके बाद करते हैं कुछ अपन क्रॉप्स की बात, ठीक है, जैसे अपन कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको मोर वाटर की आवश्यकता होती है, मोर मतलब ज्यादा पानी की, कुछ होते हैं जिनको लेस वाटर, कम पानी में भी वो उग सकती है, जैसे अपन जानते हैं हमारे जो इंडिया, हमारे जो पृथ्वी है, धरती है, कुछ अपने इंडिया बात करें, ठीक है, यहाँ क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है, यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती है, ठीक है, चाहे वो नेचर में हो, चाहे वेदर में हो, चाहे एक ह्यूमन बींग्स में हो, चाहे कैसे भी हो, ठीक है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती है। तो अपने यहाँ पर क्या जो क्रॉप्स क्रॉप्स की उगाई जाती है, ठीक है, जब एग्रीकल्चर की जाती है तो यहाँ पर जो फसल होती है, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग उगाई जाती है, होता है कि जब एग्रीकल्चर अपन करते हैं, ठीक है, तो अपने पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग ही फसल उगाते हैं, क्योंकि कई बार जो बारिश का सीजन है, जब तेज बारिश हो सकती है, तो उसकी जो क्रॉप्स होगी वो अलग होगी, जो विंटर्स के अंदर आएगी, सपोज जिनको कम पानी की नीड है तो वो क्रॉप्स अलग होती है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होती है जिनको क्या बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, कुछ बहुत कम पानी में भी जरूरत उग सकती है, ठीक है, जैसे अपन राइस की बात करें, राइस की अगर आप इरिगेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसको तो हमेशा पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है, क्योंकि उसका जो तो सारा प्लांट एक तरीके से कैसे पूरा पानी में ही डूबा हुआ रहता है, ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती है, जैसे कुछ मैं बात करूं मोर वाटर की, ठीक है, जैसे राइस की मैं बात कर रहा था, ठीक है, सुगर केन हो गया, ओके, पेनिल हो गया, जितने भी है समझ गए, इनको क्या होता है हमेशा बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जब इनकी अपन खेती कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, इनको हमें ज्यादा पानी की या ज्यादा इरिगेशन करना पड़ता है इनके लिए। नहीं अगर कुछ कम पानी की मैं बात करूं, जैसे पी हो गया, ठीक है, ऑनियन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ठीक है, तो इन सबको क्या ग्राम हो गया, सपोज और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इनको क्या बहुत कम पानी के अंदर अपन इनकी क्या कह सकते हैं एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, ठीक है, इनको अपन ज्यादा पानी ना दे, ठीक है, लिमिट मात्रा के अंदर पानी दे तो भी ये इजीली उग सकता है, ओके, तो कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं जिनको पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ये चीज भी आपको अच्छे से उसके बारे में कह सकते हैं, अपनी गाइडलाइन लेनी और नॉलेज लेनी और अपनी नॉलेज उसके बारे में बढ़ाना है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं कुछ इरिगेशन मेथड की, ठीक है, इरिगेशन मेथड मान लो, या फिर जैसे अपन वेल या बावड़ी से जो पानी प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको निकालने का मेथड मान लो, ठीक है, तो जैसे अपन फर्स्ट अपना मेथड आता है वो आता है आपके ट्रैक्टर सिस्टम या हार्ड सिस्टम जिसको अपन बोल सकते हैं, फर्स्ट बात करता हूं आपके ट्रैक्टर सिस्टम की, इसको अपन हार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, जो भी रेक्चर सिस्टम है हमेशा तभी काम करेगा जब किसी भी वेल का, ठीक है, जो वाटर सोर्सेज है उनका पानी, जब उनका पानी का जो लेवल बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये पानी के कम लेवल पे कभी वर्क नहीं करते हैं। अब एक्चुअली इसके अंदर होता क्या, जैसे मैं बात कर रहा हूं, सब कुछ एक कुआ है, ठीक है, अब वेल एक कुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक पूरा राउंड शेप के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, समझ गए, और उसके ऊपर इस तरीके से बुकेट लगी हुई होती है, समझ गए, तो इस तरीके से बुकेट लगने का मींस क्या है, जैसे जैसे स्पिन करेगा, मीन जैसे जैसे घूमेगा, ठीक है, सपोज इस तरीके से घूम रहा, तो इसके अंदर क्या होगा, जो पानी का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो ये बुकेट ऑटोमेटिकली फिल होती जाएगी, ठीक है, यही होगा, और जैसे जैसे फिल होती जाएगी उससे क्या होगा, पानी बाहर आता जाएगा, ठीक है, जैसे सपोज ये बुकेट फिल हुई, बुकेट यहां पर आके ये पानी क्या करेगी, यहां से बाहर फेंक देगी, ठीक है, और आगे पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है जो अपने खेतों की ओर फील्ड की ओर इसका फेस होता है, ठीक है, और पानी वहां तक पहुंच जाता है। तो इसके अलावा जैसे इसको वर्क करने की मैं बात करूं, जैसे ये तो देखो कंटिन्यू राउंड घूमता है, अब इसके लिए जैसे मैं बात करूं इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं, देखो ये तो लगा हुआ है स्पिन के ऊपर, अब इसको जैसे घुमाने के लिए राउंड करने के लिए अपन ऑक्स भी काम में ले सकते हैं, बैल, ठीक है, जो अपने उससे दो डबल यूज होते हैं, तो ऑक्स अगर काम में लेंगे ना, ठीक है, तो देखो ये तो वर्क लगता ही जाएगा,
इसको कंटिन्यू घुमाता जाएगा, उसके चारों तरफ घूमता जाएगा पूरा एक, ठीक है। अब साथ साथ में जब वो घूमेगा तो वहां की जो मिट्टी होगी, ठीक है, वो इतनी अच्छी हो जाएगी एक तरीके से पूरी सबसे ज्यादा बोल सकते हैं अपन उपजाऊ जो मिट्टी होती है, ठीक है, अपने लिए बहुत अच्छी फर्टाइल जो होगी, ठीक है, मिट्टी जो होगी वो अच्छी फर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ होगी तो अपने लिए खेती के लिए भी काम आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा अर्थन पॉट बनाने के लिए भी वो काम आ सकती है। तो इसे लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डबल वे से काम कर रही है यहाँ पर, तो जो इरीगेशन में जो रेड सिस्टम है इससे पानी निकालने में भी और जो मिट्टी सही हो रही है, ठीक है, जो वहां पर मिक्सअप हो रही है उसके जो पैरों के नीचे उसको अर्थन पॉट बनाने में या खेती के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसको इस तरीके से काम में ले सकते हैं। जरूरी नहीं आप ऑक्सीजन काम बोल रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पंप लगा के भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके काम करता है रेड चेयर सिस्टम, ठीक है। रेड चेयर सिस्टम का एक बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है, उसके चारों बुकेट लगी होती है, ठीक है, और जब जहां पानी का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो वहीं पर इसका यूज होता है, ठीक है। इसके यूज के लिए अपने इलेक्ट्रिक पंप या फिर ऑक्स बैल जो काम में ले सकते हैं, ओके। देन इसके बाद जब ये पानी बाहर आता है तो अलग अलग ड्रेनेज बनी होती है जहां तक ये पानी फील्ड के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये था इसका सिस्टम, रेड चेयर सिस्टम, ठीक है। रेड चेयर सिस्टम कैसे पानी बाहर निकालता है, इसके अलावा और भी ट्यूबवेल से पानी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ट्यूबवेल का एग्जाम्पल दिया था, ओके। तो इस तरीके से बहुत से सिस्टम होते हैं, सिस्टम जिनको अपन अपने खेतों के अंदर आए दिन यूज लेते हैं, ओके। रेड चेयर सिस्टम आपने कई जगह देखा होगा। इसके अलावा कई बार जैसे अपन स्पिन का वो भी देखते हैं बाय हैंड से, ठीक है, उसके ऊपर क्रॉप रॉप लगा के रस्सी लगा के, ठीक है, बुकेट एक सिंगल बांधकर उसको बाय हैंड से अपन निकालते हैं, ठीक है। उसको देखिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ओके, उसके अंदर अपने के अंदर लार्ज स्केल के अंदर पानी को बाहर नहीं निकाल पा रहा है सिंगल पर्सन, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइट हो सकता है। इसलिए ऐसे कुछ सिस्टम इनको काम में लेते ताकि ये ज्यादा अपने यूज आ सके। नहीं अगर बात करूं तो आपके क्षेत्र में जितने ही टॉपिक करके कुछ एक्सरसाइज की बात करता हूँ, ठीक है, कि क्षेत्र के अंदर किस टाइप की एक्सरसाइज आ सकती है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी अपन अभी मैं आपको अच्छे से वीडियो के अंदर, जो आप लास्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आप एक्सरसाइज भी देंगे मैं करता हूँ, ठीक है। तो आपके कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर मोस्ट टॉपिक क्या है, तो जो रेड चेयर सिस्टम उसके बारे में, क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, जो पानी में होता है डाउनवर्ड्स है अपवर्ड से डाउनवर्ड्स की ओर ही क्यों फ्लो होता है, तो ठीक है। तो कुछ तीन या चार टॉपिक है इसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। देन मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे ये आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है, इसमें फर्स्ट जैसा आपकी क्वेश्चन आ रखा है, वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, हाउ कैन यू यूज दिस फीचर, के पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, ठीक है, इस फीचर को अपन कैसे यूज ले सकते हैं। देन इसके बाद आ रखा है, व्हाट इज द वे गेटिंग वाटर फ्रॉम द वेल, के वेल मीन्स कुएं से पानी निकालने के कौन कौन से फीचर से, कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। देन इसके बाद आ रखा है, अगर इफ द वाटर लेवल ऑफ ए वेल गोज डाउन, अगर पानी का लेवल बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है तो क्या, हाउ कैन वी गेट वाटर रेजिंग रेड चेयर सिस्टम, तो क्या रेड चेयर सिस्टम से पानी प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसका सीधा से बात है नो, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था जो वाटर का जो लेवल अगर हाई होगा तभी अपन रेड चेयर सिस्टम को काम में ले सकते हैं। इसके अलावा मीन्स बताने आपको इरीगेशन में सिंचाई के लिए, ठीक, टाइप क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या देखा, जैसे आपको फर्स्ट देखा एक रेड चेयर सिस्टम की आप पिक्चर देखे आप इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको पिक्चर दे रखी है, आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करके आपको क्वेश्चन बनाना है कि अगर आपको एक पिक्चर दे रखी है तो आप इसके बारे में कैसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन उसके अंदर भी ये दे रखा है, स्प्रिंकल दे रखा है आपको, देखो स्प्रिंकल से खेती हो रही है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर भी आपको देखकर इसको थ्री क्वेश्चन बनाना है। देन नेक्स्ट पेज पे आपके आ रखा है एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर देखो आपके रेड चेयर सिस्टम दे रखा है, इसके अंदर आपको इसके जो स्टेप्स है, ठीक है, वो स्टेप लिखने हैं आपको इसके अंदर, और लास्ट जो क्वेश्चन है उन क्रॉप्स के नाम लिखना जिनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, जो मैंने अभी आपको वर्ड के ऊपर बताया था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपके इस बारे में था, तो इन चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना, ठीक है, इन क्वेश्चन का भी आंसर हो सके तो फाइंड आउट करना, ओके, अपने फ्रेंड से अपने पेरेंट्स से हेल्प लेकर। थैंक यू।